बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो चलेंगे देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 में किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन जो हमें एक्सरसाइज 6.2 में दिया गया वो है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको हमने रैशनल एक्सप्रेशन की शक्ल के अंदर लिखना है। तो हमें जो क्वेश्चन पहला दिया गया है ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स बाय एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस 24 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो पहले अगर हम ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स इसको अगर हम फैक्टराइज कर लें, ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस 24 को भी हम फैक्टराइज कर लें और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12 को फैक्टराइज कर लें और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर बना लें, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लगा लें, तो फिर थोड़ा सा ये सिंपल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें इसको जो है ना सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते सॉरी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास ये स्टेप आएगा। अब ये स्टेप कैसे आता है तो इसके लिए भी सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स वाली टर्म को। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे मल्टीप्लाई करने पे माइनस सिक्स आना चाहिए और ऐड करने पे माइनस वन आना चाहिए। हम यहाँ पे जो मिडिल टर्म क्या मिडिल टर्म हमारी है इसको स्प्लिट करने वाला मेथड जो है वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने में माइनस सिक्स आए, ऐड करने में माइनस वन आए, तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस सिक्स आ जाए, जिनको हम ऐड करें तो माइनस वन आ जाए। पहले तो आपने वो दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे सिक्स आता है। तो वन मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स होता है, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं वन और सिक्स को मल्टीप्लाई करने पे सिक्स तो आ सकता है, लेकिन सिक्स और वन को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस वन नहीं आ सकता। इसके मुकाबले में टू मल्टीप्लाई थ्री, ठीक है, करने पे सिक्स आ जाता है और थ्री में से टू माइनस करने पे हम वन ला सकते हैं, माइनस वन बना सकते हैं इसकी मदद से। तो फिर हम टू और थ्री ले लेंगे। अगर हम थ्री के साथ माइनस ले लें और टू के साथ प्लस ले लें तो माइनस थ्री प्लस टू माइनस एक्स बन जाएगा, ये पहली शर्त जो है ये पूरी हो जाएगी। और माइनस थ्री प्लस टू करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, दूसरी शर्त भी पूरी हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे जो दरमियान वाली टर्म है मिडिल टर्म सेपरेशन मेथड इसको कहते हैं। तो माइनस एक्स जो है इसको हम सेपरेट करके माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स ले लेंगे। ये जो हमने दो नंबर ढूंढे थे माइनस थ्री और प्लस टू, इन दोनों नंबर्स की मदद से हमने इसको सेपरेट कर दिया और माइनस एक्स को हमने माइनस थ्री एक्स और माइनस सॉरी प्लस टू एक्स हमने इसको लिख दिया और बाकी ये एक्स स्क्वेयर उसी तरह आ गया और माइनस एक्स भी इसी तरह आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे अगर आप इससे नीचे वाला स्टेप अगर देखें तो एक्स स्क्वेयर को हम एक्स का स्क्वेयर लिख सकते हैं, माइनस नाइन को हम थ्री का स्क्वेयर लिख सकते हैं। यहाँ पर दरअसल हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला यूज करने लगे हैं। फिर प्लस अब हमने एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस 24 जो है इसको फैक्टराइज करना है इसी मिडिल टर्म का जो सेपरेशन वाला मेथड है इसी की मदद से। तो इसको कैसे करेंगे जी, तो ये देखते हैं। अब हम इसको जब करने लगेंगे तो अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 है, ठीक है। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 24 आ जाए और उनको ऐड करने पर प्लस का 2 आ जाए। तो पहले तो हम वो नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है। तो वन मल्टीप्लाई 24 24 होता है, टू मल्टीप्लाई 12 24 होता है, उसके बाद फोर मल्टीप्लाई सिक्स जो है ये 24 होता है, थ्री मल्टीप्लाई एट भी 24 होता है। तो अब हम फोर और सिक्स इसलिए लेंगे क्योंकि इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करने से प्लस टू बनाया जा सकता है। अगर आप सिर्फ फोर माइनस करें तो टू आ सकता है। तो अब हम फोर और सिक्स लेंगे। अगर हम सिक्स के साथ प्लस ले लें और फोर के साथ माइनस ले लें तो प्लस सिक्स जब माइनस फोर से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का 24 बन जाता है, ये शर्त पूरी हो जाती है। उसके बाद जब हम प्लस सिक्स माइनस फोर करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो अब हम ये जो प्लस टू एक्स है, ठीक है, इसको हमने सेपरेट करना है दो नंबर्स की मदद से। इसको हम तोड़ के प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स लिख देंगे। ये जो हम दो नंबर ढूंढा करेंगे इनकी मदद से हमने इसको सेपरेट कर देना है। एक्स स्क्वेयर और माइनस 24 उसी तरह आ जाएगा। इस तरह नीचे अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे अब हम एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12 को फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे
माइनस 12y और उनको ऐड करने पे माइनस का मान आ जाए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12y, ऐड करने पे माइनस 1 आए। पहले हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई 12 12 होता है, 2 मल्टीप्लाई 6 12 होता है, और 3 मल्टीप्लाई 4 12 होता है। अब इन दो 1 और 12 को नहीं यूज कर सकते, 2 और 6 को यूज इसलिए नहीं कर सकते कि इनकी मदद से 1 नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 3 और 4 को यूज करेंगे। अगर हम माइनस का 4 ले लें प्लस का 3 ले लें, तो माइनस 4 को जब प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा, पहली शर्त पूरी हो जाएगी। और माइनस 4 प्लस 3 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, दूसरी शर्त पूरी हो जाएगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस एक्स है इसको हम स्प्लिट करके माइनस 4x प्लस 3x लिखेंगे, ठीक है। ये जो हमने दो नंबर जो हम ढूंढते हैं वो हम इस दरमियान वाली टर्म को स्प्लिट करने के लिए या दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए ढूंढते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास ये तीन रकमें होती हैं, इसकी चार बन जाती हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो एक्स स्क्वेयर उसी तरह आ गया, माइनस एक्स को हमने माइनस 4x प्लस 3x लिख दिया और माइनस 12 उसी तरह नीचे आ गया। अब हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है जी, इसको अब हम आगे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब फैक्टराइज करते हुए एक्स स्क्वेयर माइनस 3x में से हमने कॉमन लेना है, तो इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। जब हम x कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास x माइनस 3 बन जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वेयर में से x कॉमन लेने पे x बचता है, और माइनस 3x में से जब कॉमन लेंगे x तो माइनस 3 आएगा। फिर प्लस 2x माइनस 6 में से हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो प्लस 2x माइनस 6 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। प्लस 2 अगर हम कॉमन ले लें तो प्लस 2x x में से कॉमन लेने पे प्लस 2x में से 2 कॉमन लेने पे x बच जाएगा, और जब हम 2 कॉमन लेंगे 6 में से माइनस 6 में तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस उस तरह आ जाएगा 2 3 6, इधर भी अंदर x माइनस 3 आ गया। इसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर हमने फार्मूला पढ़ा था, वो किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b के। तो यहाँ पे x का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर है, तो उसको हम x माइनस 3 यानी कि a माइनस b इंटू a प्लस b x प्लस 3 आ जाएगा। तो इसको हमने उस फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई कर लिया, और अब यहाँ पे भी हम उसी तरह एक्स स्क्वेयर प्लस 6x में से कॉमन लेंगे दोनों में से, तो x कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में से x कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास x प्लस 6 बच जाएगा। और अब माइनस 4x है, माइनस 24 है, माइनस 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। हमने कॉमन ऐसा नंबर लेना है ताकि ब्रैकेट के अंदर सेम है, यहाँ पे x प्लस 6 आ रहा है, यहाँ पे भी अंदर x प्लस 6 आना चाहिए। अगर हम सिर्फ 4 कॉमन लेते तो अंदर माइनस एक्स माइनस 6 आ जाना था, तो हम माइनस 4 कॉमन लेंगे ताकि ये ब्रैकेट के अंदर की सेम हो जाए और हम इससे प्लस कैप कर सकें। तो माइनस 4 एक्स में से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो एक्स बच जाएगा, और जब माइनस 24 में से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 4 6 24 तो ये प्लस था 6 आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 6 आ गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में इन दोनों में से हम एक्स कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से जब एक्स कॉमन लेंगे एक्स स्क्वेयर में से एक्स कॉमन लेने पर एक्स बचता है, और माइनस 4x में से एक्स कॉमन लेने पर माइनस 4 बचता है। फिर यहाँ से हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे जी, प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 3x में से 3 कॉमन लेने पर एक्स बच जाता है, फिर माइनस 12 में से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो ये माइनस 4 बच जाएगा। अब इस अगले स्टेप में चलते हैं। इस अगले स्टेप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास पहले ये चार रकमें थी, अब इसकी मदद से दो बन चुकी हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप देखें x माइनस 3 मौजूद है, इसमें भी x माइनस 3 मौजूद है, इन दोनों रकमों में से हम x माइनस 3 को जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लेने पे x बचेगा, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लेने पे प्लस 2 बच जाएगा, तो x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 उसी तरह मौजूद है, प्लस यहाँ पे इन दोनों में आप देख सकते हैं इसमें भी x प्लस 6 मौजूद है, इसमें भी x प्लस 6 मौजूद है, इन दोनों में से x प्लस 6 को कॉमन ले लेंगे। जब x प्लस 6 को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से x बच जाएगा, फिर माइनस यहाँ से 4 बच जाएगा। और डिनोमिनेटर में x माइनस 4 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो x माइनस 4 को कॉमन लेंगे, x माइनस 4 कॉमन लेने पे यहाँ से एक x बच जाएगा और यहाँ से प्लस 3 बच जाएगा। तो अब इसके बाद देख सकते हैं कटिंग हो सकती है बड़ी आसानी के साथ। ये जो x माइनस 3 वाली टर्म है ये x x माइनस 3 वाली टर्म के साथ कट जाएगी, और ये x माइनस 4 वाली टर्म ऊपर है, और ये नीचे जो x माइनस 4 वाली टर्म ये कट गई, बाकी हमारे पास यहाँ से x प्लस 2 बच गया डिवाइडेड बाई x प्लस 3 बच गया, प्लस यहाँ से x प्लस 6 बच गया डिवाइडेड बाई x प्लस 3 बच गया। अब इससे आगे मजीद कटिंग नहीं हो सकती। अब हम ये करेंगे कि इन दोनों का
दोनों फ्रैक्शन जो है दोनों कस रहे हैं, तो इनका आप हम एलसीएम लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में भी एक्स प्लस थ्री है, इसके डिनोमिनेटर में भी एक्स प्लस थ्री है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो एलसीएम आपको पता है वही आता है, तो एक्स प्लस थ्री एलसीएम आ जाएगा। एक्स प्लस थ्री का टेबल एक्स प्लस थ्री पे वन टाइम जाएगा, वन को एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस टू आ जाएगा। फिर प्लस एक्स प्लस थ्री का टेबल एक्स प्लस थ्री पे वन टाइम जाएगा, वन को एक्स प्लस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस सिक्स उसी तरह आ जाएगा। अब हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर टू प्लस सिक्स जो है वो एट हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस एक्स हमारे पास टू एक्स बन जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री। तो ये हमारे पास, अब ऊपर हम टू कॉमन भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, यहाँ से अगर टू कॉमन लेने हैं एट प्लस टू एक्स में से, तो टू कॉमन लेने पे अंदर फोर प्लस एक्स या एक्स प्लस फोर बच जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री बच जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन बन गया हमारा, हमने इसको सिंप्लीफाई किया और उसको एक रैशनल एक्सप्रेशन की शक्ल में लिया, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया जी एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस फोर एक्स ओवर एक्स फोर माइनस वन एक्स पर फोर माइनस वन। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले तो क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेते हैं दोबारा। अब हम इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने पिछले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन वगैरह की है वो भी हमने यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ए स्क्वेयर बी और बी स्क्वेयर वाला फार्मूला, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले चीज़ें इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे पास दो फ्रैक्शन है एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, पहले हम इनको आपस में ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं, सॉरी दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो इसके लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन है, ठीक है जी, इसके डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन है, इसके डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन है। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो चूंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, एक का टेबल दूसरे पर नहीं जा सकता, तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो एलसीएम क्या बन जाता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनता है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन जो है हमारा एलसीएम बन जाएगा जी इसका। अब हम एक्स माइनस वन का टेबल इस पर लेके जाएंगे, जाहिर बात है एक्स माइनस वन जब टेबल इस पर लेके जाएंगे एक्स माइनस वन तो कट जाएगा, एक्स प्लस वन टाइम टेबल जाएगा। अब एक्स प्लस वन को जब एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब एक्स प्लस वन का टेबल लेके जाएंगे जो एलसीएम है हमारा, तो एक्स प्लस वन से कट जाएगा, एक्स माइनस वन टाइम टेबल जाएगा, और एक्स माइनस वन को जब एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन। हम उसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तीन रकमों का अगर हम इकट्ठा एलसीएम लेंगे तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। हम पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, फिर हम जब इसका जवाब आ जाएगा उसका फिर एलसीएम इसके साथ ले लेंगे। प्लस ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ हमने उसी तरह लिख ली क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। अब एक्स प्लस वन का स्क्वेयर खोलेंगे तो आपको पता है स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ए का स्क्वेयर यानी कि एक्स का स्क्वेयर लेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वन करेंगे तो ये टू एक्स आ जाएगा, और प्लस वन का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर जो था यानी कि वन का स्क्वेयर, ये वन का स्क्वेयर वन आ जाएगा, तो माइनस आ गया। अब इसका स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर खोलेंगे क्योंकि ये बाय माइनस है और इसके साइन चेंज करने हैं, तो ए माइनस बी का स्क्वेयर होता है जी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। तो ए का स्क्वेयर यानी कि एक्स का स्क्वेयर लेंगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, बी का स्क्वेयर लेंगे वन का स्क्वेयर तो वन आएगा, माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वन करेंगे तो ये बस माइनस टू एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन उसी तरह आ जाएगा, माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन जी ब्रैकेट के बाहर फोर एक्स ओवर एक्स पावर फोर माइनस वन भी इसी तरह आ जाएगा। अब इसको अगले स्टेप में ये माइनस जो है इसके अंदर साइन चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन इसी तरह आ जाएगा, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस वन माइनस वन बन जाएगा और माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर आपस में कट जाएगा, उसके बाद प्लस वन ये वाला और ये माइनस वन आपस में कट जाएगा, हमारे पास टू एक्स और टू एक्स फोर एक्स बच जाएगा, तो ये हमारे पास फोर एक्स आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय ये एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन को जो हम अगर इकट्ठा कर दें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। तो इसी तरह
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ये आपस में मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वेयर माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे हमने वो फार्मूला यूज करके इसको इकट्ठा कर दिया, माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन उसी तरह आ गया, प्लस ये बाहर वाली जो रकम थी हमारी फोर एक्स ओवर एक्स पावर फोर माइनस वन ये भी उसी तरह आ गई। अब हम इसके अंदर वाली ये जो टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर वाली इनको आपस में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस वन ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, एलसीएम के अंदर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। जब एक्स स्क्वेयर माइनस वन का टेबल इस पर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन काट जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन टाइम टेबल जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन को जब हम फोर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन आ जाएगा। फिर माइनस का साइन आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन का टेबल जब हम एक्स स्क्वेयर प्लस वन और इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन पे लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन से कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वन टाइम टेबल जाएगा, और एक्स स्क्वेयर माइनस वन को जब हम माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन बन जाएगा। ये ब्रैकेट उसी तरह क्लोज होगी, प्लस ये जो बाहर वाली हमारा जो फ्रैक्शन थी फोर एक्स ओवर एक्स फोर माइनस वन ये उसी तरह आ गया। इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, फोर एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जब हम फोर एक्स को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर फोर एक्स को जब प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर एक्स आ जाएगा, जब हम माइनस फोर एक्स को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर एक्स क्यूब आएगा, और माइनस फोर एक्स को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस फोर एक्स आ जाएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पे अब हम एक्स स्क्वेयर माइनस वन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, तो ये ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर बन जाता है, तो ए यानी कि एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लेंगे तो ये हमारे पास एक्स पावर फोर बन जाएगी, माइनस वन का स्क्वेयर लें तो वो आपके पास वन ही होता है, तो ये वन यहाँ आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कटिंग हो जाती है हमारे पास, एक तो ये प्लस फोर एक्स ठीक है, और ये माइनस फोर एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, फोर एक्स और फोर एक्स हमारे पास एट एक्स आ जाएगा, और नीचे एक्स पावर फोर माइनस वन उसी तरह आ गया। अब ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं, मतलब ये एक फ्रैक्शन रह गई है, प्लस फोर एक्स ओवर एक्स पावर फोर माइनस वन उसी तरह आ गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखें एक्स पावर फोर माइनस वन है, इधर भी एक्स पावर फोर माइनस वन है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो या नीचे वाले रकम सेम हो तो एलसीएम वही आ जाता है, एक्स पावर फोर माइनस वन ही एलसीएम आ जाएगा, एक्स पावर फोर माइनस वन का टेबल एक्स माइनस फोर एक्स पावर फोर माइनस वन पर लेके जाएंगे वन टाइम जाएगा, वन को एट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स पावर फोर माइनस वन का टेबल एक्स पावर फोर माइनस वन पर लेके जाएंगे वन टाइम जाएगा, वन को फोर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर एक्स आ जाएगा। ऊपर अब इनको ऐड कर लेते हैं जी, एट एक्स प्लस फोर एक्स दोनों के साथ एक्स मौजूद है, दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये हमारे पास ट्वेल्व एक्स बन जाएगा, तो ट्वेल्व एक्स ओवर एक्स पावर फोर माइनस वन ये हमारा आंसर आ गया। इससे मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर थ्री है, वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री माइनस टू ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ठीक है, इसको हम पहले क्वेश्चन की तरह एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। उससे आगे फिर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, उससे तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे जी एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन को। तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस फिफ्टीन आ जाए, और जिनको हम ऐड करें तो माइनस एट आ जाए ठीक है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने के लिए मल्टीप्लाई करने में प्लस फिफ्टीन आए, ऐड करने में माइनस एट आए, तो अब हम नंबर ढूंढते हैं। तो पहले हम नंबर वो ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे पंद्रह आ जाता है, एक को पंद्रह से ज़रब दे पंद्रह आ जाता है, तीन को पंद्रह पाँच से ज़रब दे पंद्रह आ जाता है। तो अब हम तीन और पाँच की मदद से आठ भी बना सकते हैं, और तीन और पाँच को ज़रब दे के पंद्रह भी लेके आ सकते हैं। तो अब हमने इनके साथ ये देखना है कि इसके साथ अलामत कौन सी आएगी। अगर हम प्लस का थ्री प्लस का फाइव करें तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस फिफ्टीन आ जाएगा, लेकिन ऐड करने पे प्लस का एट आएगा, हमें माइनस का एट चाहिए, तो हम माइनस थ्री कर देते हैं और माइनस फाइव दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं। जब माइनस फाइव को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया जाए तो
प्लस 15 आता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस 3 और माइनस 5 जो है ये ऐड होकर माइनस 8 आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म की वो स्प्लिट करेंगे, माइनस 8x को स्प्लिट करके माइनस 3x माइनस 5x लिख देंगे। हमने इन दो नंबर्स को यूज़ करना है और माइनस 8x को तोड़ना है दो हिस्सों में, माइनस 3x माइनस 5x कर देना। अब इससे ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर उसी तरह नीचे आ जाएगा, ये 15 उसी तरह आ जाएगा, ये दरमियान वाली टर्म हमने तोड़ के इसको इस तरह किया, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3 आए, और जिनको हम आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 4 आ जाए हमारे पास। तो ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जी, तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 3 आए, ऐड करने पे माइनस 4 आए, तो 1 मल्टीप्लाई 3 3 होता है, तो हम 1 के साथ भी माइनस लगा लेते हैं, 3 के साथ भी माइनस, अपने सिचुएशन के मुताबिक इनके साथ साइन लगाने हैं। तो माइनस 1 और माइनस 3, ठीक है, तो माइनस 1 को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 और 3, तो प्लस का 3 आ जाएगा, और माइनस 3 और माइनस 1 आपस में इकट्ठे हो गए माइनस 4 बन सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है, माइनस 4x को हम तोड़ के माइनस 3x इंटू माइनस एक्स या माइनस 1x, इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे माइनस 3x माइनस एक्स आप ले सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 3x भी लिख सकते हैं, इनको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर उसी तरह ही आएगा। फिर एक्स स्क्वेयर और प्लस 3 जो है ये उसी तरह आ गए दोनों नीचे, माइनस 2 ओवर, अब हम एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5 को फैक्टराइज करेंगे। अब हम ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने में प्लस 5 आ जाए, और जिनको आपस में ऐड करें तो माइनस 6 आ जाए, और मल्टीप्लाइंग प्लस 5 चाहिए और एडिंग माइनस 6 चाहिए, ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 5 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई 5 5 होता है। अब हमें 1 और 5 दो नंबर मिल गए, लेकिन हम 6 भी बना सकते हैं, तो एक को माइनस 1 ले लेते हैं, एक को माइनस 5 ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, दोनों को माइनस लेने से ही होगा कि इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 1 और 5 प्लस का 5 आ जाएगा, और माइनस 1 और माइनस 5 को इकट्ठा करने में माइनस 6 आ जाएगा। तो अब आप माइनस 6 एक्स को स्प्लिट करके माइनस 5x माइनस x लिख देंगे इन दो नंबर्स की मदद से, 1x भी आप लिख सकते हैं माइनस 1x, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, ये अंडरस्टूड है, माइनस x लिखा है तो उसका मतलब ये माइनस 1x ही है, तो x के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है ये 1 ही है। तो अब हम इसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं। इस स्टेप में हमने ये तीन रकमें थी, हमने चार चार बना के दरमियान वाली रकम को तोड़ के दो हिस्से कर लिए। अब पहली दो में से हम कुछ कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x में से x कॉमन लिया जा सकता है, जब x कॉमन लेंगे एक्स स्क्वेयर में से तो x बच जाएगा, और माइनस 3x में से जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा। फिर और माइनस 5x प्लस 15 है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, अगर तो मैं सिर्फ 5 कॉमन ले लेता तो माइनस x प्लस 3 आता अंदर, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है ताकि इधर x माइनस 3 आ रहा है तो इधर अंदर भी x माइनस 3 ही आए, ठीक है। अगर आप ये इनको सही नंबर्स की मदद से तोड़ेंगे दरमियान वाली टर्म को, तो ये हमेशा ऐसे ही होगा कि दरमियान वाली टर्म आपकी सेम आ रही है। अगर ये सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपने वो जो दो नंबर ढूंढे हैं उसमें आपने वो गलती की है, या आपने उनके साइन जो या अलामतें जो उनके साथ प्लस माइनस लगाई है वो आपकी गलत है। तो माइनस 5x प्लस 15 में से माइनस 5 को कॉमन लेंगे, तो माइनस 5x में से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, और प्लस 15 में से जब माइनस 5 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा 5 3 15, एक्स माइनस 3 आ जाएगा। प्लस अब इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस 3x में से x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, उसी तरह अंदर x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 1x प्लस 3 है, अब अंदर हमने चूँकि x माइनस 3 लाना है तो हम माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 कॉमन लेने से सिर्फ साइन चेंज हो गए, माइनस का x था तो प्लस का x हो गया, प्लस का 3 था तो ये माइनस का 3 हो गया। माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 5x में से हम x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास x माइनस 5 बच जाएगा, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे ताकि ब्रैकेट के अंदर सेम हो जाए, तो x माइनस 5 आ जाएगा, माइनस का x था प्लस का x हो गया, प्लस का 5 था माइनस का 5 हो गया। माइनस वाली चीज़ आप जैसे कॉमन लेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार रकमें थी, अब इसे ये दो रकमें बन चुकी हैं, इसमें भी x माइनस 3 मौजूद है, इसमें भी x माइनस 3 मौजूद है, दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा,
और यहाँ से x माइनस थ्री कॉमन लेने पे माइनस फाइव बन जाएगा। उसके बाद फिर प्लस, इसके अंदर भी x माइनस थ्री मौजूद है, इधर भी x माइनस थ्री मौजूद है, तो x माइनस थ्री को कॉमन ले लेंगे, x माइनस थ्री कॉमन लेंगे, यहाँ से x बच जाएगा माइनस, यहाँ से x माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये वन बच जाएगा, माइनस टू ओवर, इसमें x माइनस फाइव मौजूद है अंदर, इधर भी x माइनस फाइव मौजूद है, x माइनस फाइव को कॉमन ले लेंगे, x माइनस फाइव कॉमन लेने पे यहाँ से x बच जाएगा माइनस, यहाँ से x माइनस फाइव कॉमन लेने पे माइनस वन बच जाएगा। अब हम इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, इन तीनों टर्म्स का इकट्ठा एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। तो अब एलसीएम लेते हुए जो चीज़ दो दफ़ा आ रही होगी उसको हम सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x माइनस थ्री और ये x माइनस थ्री दो दफ़ा आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे एलसीएम के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं x माइनस फाइव इधर भी आ रहा है, x माइनस फाइव इधर भी आ रहा है, तो ठीक है एलसीएम में सिर्फ एक दफ़ा आएगा। और उसके बाद x माइनस वन और x माइनस वन, ठीक है, तो ये आपके पास x माइनस वन एक दफ़ा आएगा, तो ये हमारा एलसीएम आ गया इन तीनों में से। अब हम इसका टेबल लेके जाएंगे जी, x माइनस थ्री और x माइनस फाइव का जब हम टेबल लेके जाएंगे यहाँ पे, तो x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव का टेबल जब हम x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस वन पे लेके जाएंगे, तो x माइनस थ्री और x माइनस फाइव तो ख़त्म हो जाएंगे, x माइनस वन टाइप टेबल जाएगा, फिर हम x माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x माइनस वन आएगा, फिर प्लस। इसके बाद हमने जी यहाँ से x माइनस थ्री और x माइनस वन का टेबल लेके जाना है इस पर, तो इससे x माइनस थ्री और x माइनस वन तो ख़त्म हो जाएंगे, x माइनस फाइव बच जाएगा, और x माइनस फाइव को जब हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस फाइव आ जाएगा। इसके बाद फिर हम x माइनस फाइव और इंटू x माइनस वन का टेबल इस पर लेके जाएंगे, तो इससे x माइनस फाइव और x माइनस वन ख़त्म हो जाएगा, x माइनस थ्री आएगा, और x माइनस थ्री को जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो उसी तरह आ जाएगा टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी अगले स्टेप के अंदर। अगले स्टेप में ऊपर दरमियान में ये x माइनस वन उसी तरह आ जाएगा, x माइनस वन फिर बाहर प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, x माइनस फाइव भी उसी तरह आ जाएगा, और माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स आएगा, और माइनस टू माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का सिक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर के अंदर x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस वन है, ये सारा उसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस फाइव आएगा, सॉरी मैं इसको ज़रा ठीक कर लेता हूँ, यहाँ पे फाइव रह गया, ठीक है, यहाँ पे x माइनस फाइव होगा, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस एक्स टू एक्स हो जाता है, ठीक है, और माइनस टू एक्स भी मौजूद है, तो प्लस का x और प्लस का x टू एक्स हो जाता है, टू एक्स माइनस टू एक्स आपस में काट जाएगा, माइनस वन और माइनस फाइव माइनस सिक्स होता है, और प्लस सिक्स भी मौजूद है, तो माइनस सिक्स और प्लस सिक्स आपस में काट जाएगा, तो ये हमारे पास ऊपर सारी चीज़ें काट गई, तो ऊपर हमारे पास जीरो आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। अब जीरो को आप किसी भी चीज़ से डिवाइड कर लें, आंसर आपके पास जीरो ही आता है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर है वो जीरो आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री है, तो ये तो पहले से फैक्टराइज हुआ है, ठीक है, नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन है, तो यहाँ पे हम वो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस टू इंटू टू एक्स स्क्वेयर माइनस थर्टी टू है, तो यहाँ से भी हम टू कॉमन ले सकते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। नीचे यहाँ पे भी एक्स माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस एक्स, तो इस चीज़ को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे भी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ से टू कॉमन लेंगे और फिर आगे देखते हैं इसमें क्या करना है हमने। तो अब पहला स्टेप हम उसी तरह कर लेते हैं, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ये तो सारा उसी तरह आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन है, तो हम एक्स को हम एक्स स्क्वेयर को एक्स का स्क्वेयर ले सकते हैं और नाइन को हम थ्री का स्क्वेयर ले सकते हैं, प्लस एक्स प्लस टू इसी तरह आ गया, इन दोनों में से हम टू कॉमन ले सकते हैं, जब टू कॉमन लेंगे अंदर से टू एक्स स्क्वेयर में से टू कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वेयर बचता है, और माइनस उसी तरह आ जाएगा, टू का टेबल थर्टी टू पे सिक्सटीन टाइम जाएगा, तो ये सिक्सटीन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर उसी तरह आ गया, ठीक है। अब हमने ये करना है कि मल्टीप्लाई करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स आ जाए, और उनको ऐड करने पर माइनस का बना,
यानी कि ये माइनस वन एक्स है, हम इसको सिर्फ माइनस एक्स लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस सिक्स चाहिए, ऐड करने पे माइनस वन चाहिए, तो पहले तो वो नंबर खुलता है जिनको मल्टीप्लाई करने पे सिक्स आता है, तो वन मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स होता है, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स होता है, ठीक है। तो ये टू और थ्री वाले नंबर हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे सिक्स भी आ सकता है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे वन भी ला सकते हैं। तो थ्री और टू ले लेंगे, थ्री के साथ माइनस लगा लेंगे, टू के साथ प्लस लगा लेंगे, जब माइनस थ्री को प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स आ जाएगा, और माइनस थ्री प्लस टू करने पर माइनस वन आ जाता है। तो अब हम ये जो दरमियान वाली टर्म है, मिडिल टर्म जो है हमारी, इसमें इसको स्प्लिट कर देंगे दो हिस्सों में, दो नंबर्स की मदद से, तो माइनस एक्स को हम स्प्लिट कर गए, बाकी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स उसी तरह आ जाएगा, माइनस एक्स को स्प्लिट करके हम माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स लेते हैं, ये स्प्लिट हो गया, यानी कि अलग अलग हो गया। अब हम इस अगले स्टेप में चलते हैं जी, तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री उसी तरह आ गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसे एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री आ गया, ये हमने फार्मूले की मदद से खोल दिया। एक्स प्लस टू इसी तरह आ गया, टू हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये अंदर एक्स स्क्वेयर को हम एक्स का स्क्वेयर ले सकते हैं, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आएगी, ठीक है, ये जो टू होगा ये ऐसे इस ब्रैकेट के बाहर रहेगा, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आएगी अंदर, ठीक है, ये अंदर भी एक ब्रैकेट आएगी आपकी, तो एक्स स्क्वेयर को हम एक्स का स्क्वेयर लिख लेंगे, माइनस सिक्सटीन को हम फोर का स्क्वेयर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी यही वाली सिचुएशन बन रही है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली, तो इसको अगले स्टेप में करेंगे। नीचे एक्स माइनस फोर उसी तरह आ गया, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, तो एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स में से एक्स कॉमन लेने पे हमारे पास एक्स माइनस थ्री बच जाता है, फिर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स में से जब हम टू कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर टू कॉमन लेने पे एक्स माइनस थ्री बच जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से अब एक्स प्लस थ्री इधर ऊपर भी आ रहा था, इधर नीचे भी आ रहा था, तो आप इस एक्स प्लस थ्री को इस एक्स प्लस थ्री से काट देंगे और आगे चलेंगे जी, तो एक्स प्लस टू बच जाएगा, यहाँ पे नीचे एक्स माइनस थ्री बच जाएगा, प्लस एक्स प्लस टू आ गया और टू इसी तरह आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर का स्क्वेयर है, तो इसको आप एक दफ़ा प्लस के साथ लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है, तो एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर, ये उसी तरह आ गया, और इन दोनों में से जब हम एक्स माइनस थ्री को कॉमन लेंगे, तो एक्स माइनस थ्री कॉमन लेने पर अंदर हमारे पास यहाँ से एक्स माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो एक्स आ जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो प्लस टू आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक्स प्लस टू इस एक्स प्लस टू के साथ कट जाएगा, और ये एक्स माइनस फोर इस एक्स माइनस फोर के साथ कट जाएगा, बाकी हमारे पास ये तो एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री बच गया, प्लस यहाँ से हमारे पास एक टू बच रहा है और एक एक्स प्लस फोर बच रहा है, और यहाँ से हमारे पास एक्स माइनस थ्री बच रहा है, ये आ गया। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि इधर भी एक्स माइनस थ्री है और इधर भी एक्स माइनस थ्री है, जब भी आप देखें डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका वही आता होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू एक्स से मल्टीप्लाई होगा, टू एक्स प्लस टू फोर का रेट हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री है, इधर भी एक्स माइनस थ्री ही एलसीएम आएगा, एक्स माइनस थ्री का टेबल एक्स माइनस थ्री पे वन टाइम जाएगा, वन को एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस टू आ जाएगा, फिर एक्स माइनस थ्री का टेबल एक्स माइनस थ्री पे लेके जाएंगे वन टाइम जाएगा, वन को टू एक्स प्लस एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स प्लस एट ही आ जाएगा। ये आप इस तरह समझ लेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली रखने उसी तरह ऐड हो जाते हैं, एक्स प्लस टू प्लस टू एक्स प्लस एट आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, तो एक्स प्लस टू एक्स जो है ये आपस में ऐड हो जाएगा, एक्स और टू एक्स को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास थ्री एक्स बन जाएगा, टू प्लस एट हमारे पास टेन आ जाएगा, तो ये हमारे पास थ्री एक्स प्लस टेन ओवर एक्स माइनस थ्री, ये इसका आंसर है। इससे आगे मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर फाइव। ये क्वेश्चन नंबर फाइव में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फाइव में भी हमें इसी तरह तीन फ्रैक्शन दी गई हैं, एक्स प्लस थ्री ओवर टू एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन एक्स प्लस नाइन, वन ओवर टू इंटू टू एक्स माइनस थ्री माइनस फोर एक्स ओवर फोर एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन, जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है जी। तो सबसे पहले स्टेप में हम एक्स प्लस थ्री को उसी तरह लिख देंगे, डिनोमिनेटर में अगर आप देखें ये वाली टर्म, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आप देखें मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या चाहिए, तो पहले तो ये एक्स स्क्वेयर अकेला हुआ करता था, यहाँ पे अब जो टू आ गया है, तो अगर यहाँ पे साथ कोई नंबर हो तो अब मल्टीप्लाई करने पे नाइन और टू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू नाइन का एटीन, मल्टीप्लाई करने पर हमें प्लस का एटीन चाहिए और ऐड करने पर हमें
प्लस का 9 चाहिए। तो 1 18 18 होता है, 2 9 18 होता है, 3 6 18 होता है। तो 1 और 18 से हम 9 ही बना सकते हैं, 2 और 9 से भी 9 ही बना सकते हैं, 3 और 6 से हम मल्टीप्लाई करके 18 भी बना सकते हैं और इनको ऐड करके 9 भी बना सकते हैं। तो 3 और 6 दो नंबर है, तो प्लस का 3 लेंगे, प्लस का 6 लेंगे, प्लस 3 को प्लस 6 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 18 आ जाता है, और जो हमारे पास माइनस सॉरी प्लस 3 और प्लस 6 जो है वो प्लस 9 बन जाता है। तो अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, सिर्फ हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। 2x² उसी तरह आ जाएगा, ये 9 भी उसी तरह आ जाएगा, प्लस 9x को हम स्प्लिट करके हम दो नंबर्स की मदद से प्लस 6x प्लस 3x लिख देंगे, प्लस 1 over 2 into 2x - 3 उसी तरह आ गया, माइनस 4x उसी तरह आ गया। यहाँ पे हम a² - b² वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तो 4x² को हम 2x का स्क्वायर ले सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, x का स्क्वायर लेंगे तो x² बन जाएगा, माइनस 9 है तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे स्टेप में जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ऊपर x प्लस 3 उसी तरह आ जाएगा। अब जब आप कॉमन लेंगे 2x² प्लस 6x में से, तो आप इसमें से 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लेंगे 2x² में से तो x बच जाएगा, प्लस 6x में से 2x कॉमन लेंगे, 2 3 6 होता है, x हमने कॉमन ले लिया तो प्लस 3 बच गया, प्लस अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लिया जा सकता है 3x प्लस 9 में से, तो 3 कॉमन लेंगे 3x में से तो 3x बच जाएगा, फिर प्लस 9 में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 बच जाएगा, प्लस 1 over 2 into 2x - 3 आ गया, माइनस 4x over a² - b² है, तो ये a - b into a + b हो जाएगा, यहाँ पे a आपका 2x है, b आपका 3 है, तो a² - b² हो, तो ये a - b into a + b हो जाता है। तो हमने इसकी मदद से इसको सिंप्लीफाई कर, इससे अगले स्टेप में एक चीज़ हमारी भी रहती है कि यहाँ से आप देख सकते हैं x प्लस 3 इधर भी ब्रैकेट के अंदर मौजूद, इधर भी, अब ये 4 रकमों से 2 रकमें बन गई है, इसमें भी x प्लस 3 मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो x प्लस 3 को जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लेने पे 2x बचेगा, यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लेने पे प्लस 3 बचेगा, और ऊपर x प्लस 3 उसी तरह आ जाएगा, प्लस 1 over 2 into x - 3 उसी तरह आ गया, माइनस 4x over 2x - 3 into 2x + 3 उसी तरह। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि x प्लस 3 ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, बाकी हमारे पास यहाँ पे 1 बच गया था, तो 1 over 2x + 3 प्लस 1 over 2 into 2x - 3 माइनस 4x over 2x - 3 into 2x + 3 आ गया। अब हमने इन तीनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम के अंदर मैंने बताया था जो चीज़ दो दफ़ा आ रही होगी उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, और जो चीज़ एक दफ़ा आ रही होगी उसको भी हम एक दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि हमने एलसीएम 6.1 में लेना सीखा है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो 2 एक दफ़ा आ रहा है, ठीक है, तो ये 2 हमारा एलसीएम के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप देखें तो 2x + 3, ठीक है, दो दफ़ा आ रहा है तो 2x + 3 एलसीएम के अंदर आ जाएगा, और 2x - 3 भी दो दफ़ा आ रहा है तो ये भी एक दफ़ा आ जाएगा एलसीएम के अंदर, क्योंकि जो चीज़ कॉमन आती है उसको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, तो ये हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब एलसीएम आ गया तो अब हमने देखना है कि मल्टीप्लाई करना है, 2x + 3 का टेबल जब हम इस पर लेके जाएंगे एलसीएम पे, तो 2x + 3 तो कट जाएगा, इसका एलसीएम टेबल जो है वो 2 into 2x - 3 टाइम जाएगा, तो 2 into 2x - 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 into 2x - 3 आ जाएगा। ठीक है, 2x + 3 का पहाड़ा इस पर लेके गए इस सारे पे, तो 2x + 3 तो कट जाएगा, 2 ज़रब 2x - 3 दफ़ा टेबल जाएगा, और उसको फिर हम जब 1 ज़रब देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, फिर प्लस। अब हमने यहाँ पे जी 2 into 2x - 3 यानी कि 2 ज़रब 2x - 3 का पहाड़ा इस पर लेके जाना है, तो इससे क्या होगा, 2 ज़रब 2x - 3 तो कट जाएगा, इतनी दफ़ा पहाड़ा की तरफ चला जाएगा, 2x + 3 टाइम जाएगा, 2x + 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x + 3 आ जाएगा, फिर माइनस आ गया। अब हम जब टेबल लेके जाएंगे जी 2x - 3 into 2x + 3 का, तो ये दोनों चीज़ें तो कट जाएंगी, ये टेबल जाएगा दो दफ़ा, 2 को जब 4x ज़रब देंगे तो -4x को 2 ज़रब दे देंगे, तो ये -8x बन जाएगा अगले स्टेप के अंदर। अब इस अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, प्लस 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, और यहाँ पे बाहर प्लस है, अंदर वाली ब्रैकेट खोल देते हैं, प्लस 2x + 3 उसी तरह आ गया, -4x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -8x आ।
मजीद सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो 4x प्लस 2x, 6x होता है, 6x में से माइनस 8x करेंगे तो ये माइनस का 2x बचेगा, और फिर उसके अलावा माइनस 3 सॉरी माइनस 6 प्लस 3 है तो ये माइनस 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 उसी तरह आ जाएगा। अब हम यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन ले सकते हैं या माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2x 2x हो जाएगा, प्लस का माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में उसी तरह आएगा। तो अब आप देख सकते हैं 2x प्लस 3 ऊपर भी मौजूद है नीचे भी मौजूद है, ये दोनों दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस 1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3 इसका आंसर आ जाएगा। इससे मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते या कटिंग नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कि हमने a माइनस 1 ओवर a फाइंड करना है, वेयर a हमें गिवन है कि a जो है वो a प्लस 1 ओवर a माइनस 1 है। इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, इस चीज़ के अंदर a माइनस 1 ओवर a में जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे। जब आप a की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये a प्लस 1 ओवर a माइनस 1 आ जाएगा, फिर ये वाला माइनस आ जाएगा 1 ओवर a। 1 ओवर a का मतलब है रेसिप्रोकल, a का उलट करना, तो a का उलट जो होगा हम इसको उल्टा कर देंगे, a प्लस 1 नीचे आ जाएगा, a माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल जैसे ही आप लेंगे तो ये चीज़ उलट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, सिर्फ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर में आप देखें a माइनस 1 है, इसके डिनोमिनेटर में a प्लस 1 है, तो एलसीएम लेने पर ये दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। अब हमने क्या करना है जी, जब a माइनस 1 का टेबल इस पर लेके जाएंगे, ठीक है, तो a माइनस 1 तो कट जाएगा, a प्लस 1 टाइम टेबल जाएगा, a प्लस 1 को a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस a प्लस 1 का टेबल जब हम इस एलसीएम पे लेके जाएंगे तो a प्लस 1 तो खत्म हो जाएगा, a माइनस 1 टाइम टेबल जाएगा और a माइनस 1 को a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर स्क्वायर खोलेंगे, ये a प्लस 1 का स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो a का स्क्वायर आएगा, ठीक है जी, प्लस 2 इंटू a इंटू 1 2a आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस उसी तरह आ गया बाहर वाला, और a माइनस 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो आपको पता है a माइनस b का स्क्वायर पता है a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे a की जगह a ही है तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, तो माइनस 2 इंटू ए की जगह ए आ गया, बी की जगह 1 आएगा, फिर माइनस 2 ए हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वेयर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1। यहाँ पे हम उस फार्मूले की मदद से इसको इकट्ठा कर देते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो होता है वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसी तरह अगर आपके पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो वो इकट्ठा हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाता है। यहाँ पे a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 है तो ये a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो आपको पता है 1 ही होता है, इस वजह से ये चीज़ इकट्ठी होगी, ए स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। ऊपर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1 उसी तरह आ जाएगा, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 ए प्लस का 2 ए हो जाएगा, और प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर से कट जाएगा, प्लस का 1 माइनस के 1 से कट जाएगा, और 2a प्लस 2a हमारे पास 4a ओवर a स्क्वायर माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। इससे मजीद हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 2 ओवर 2 माइनस x माइनस पे ब्रैकेट है x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस 4 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाकी तो आपको कहीं पर भी कोई फैक्टराइजेशन का नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको 4 कॉम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एक्स कॉम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, तो इसको हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी पहले वाली ब्रैकेट है इसके अंदर अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे 2 माइनस x है, तो ये दोनों तकरीबन तकरीबन एक जैसे ही है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, फिर हम यहाँ से एलसीएम लेके
इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके अलावा फैक्टराइजेशन इसमें किसी की भी नहीं हो सकती। तो चलो जी शुरू करते हैं इसको। अब पहला सबसे पहला स्टेप जो करेंगे इसमें वो ये करेंगे कि x माइनस वन और x माइनस टू ये इसी तरह आ गया, प्लस टू भी उसी तरह आ गया। टू माइनस एक्स में से हम माइनस एक्स को इधर लिख लेते हैं, प्लस टू को हम इस तरफ लिख लेते हैं। दोनों की हमने जगह चेंज कर दी इस स्टेप के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हैं इधर प्लस का एक्स है, इधर माइनस का एक्स है, इधर माइनस का टू है, इधर प्लस का टू है। मतलब ये तकरीबन सेम है, सिर्फ इसमें एक साइन का सिर्फ डिफरेंस है। तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं आसानी के साथ। और यहाँ पर भी हम इसी तरह एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू प्लस फोर ओवर फोर माइनस एक्स स्क्वेयर था, इसको हम माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस फोर कर लेते हैं। तो इस स्टेप में पहले स्टेप के अंदर हमने सिर्फ इसकी तरतीब चेंज कर दी और इसकी जो तरतीब थी वो हमने चेंज कर दी। उसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू उसी तरह आएगा। अब ये जो माइनस है, यहाँ से माइनस कॉमन जब लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस का एक्स हो जाएगा और ये प्लस का टू माइनस का टू हो जाएगा, वो माइनस जो है इस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा। तो ये आप मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप कर दिया था, कर दिया यहाँ पे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे पहले कॉमन ले लें फिर उस माइनस को आप इस प्लस के साथ माइनस कर दें, तो यहाँ पे आपके पास एक्स माइनस टू आ जाएगा। माइनस यहाँ पे एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू प्लस फोर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस का है, प्लस का फोर है, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस फोर। यहाँ पे भी हमने यही काम किया लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं इसके साथ। तो ये प्लस और माइनस जो है अगले स्टेप में माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस फोर बन जाएगा। इस अगला स्टेप आगे जी एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू ये सारा उसी तरह लिख दिया। माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू भी इसी तरह आ गया। ये वाला माइनस और ये वाला प्लस आपस में मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस हो जाएंगे और फोर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस फोर उसी तरह आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में इधर भी x माइनस टू मौजूद है, इधर भी x माइनस टू मौजूद है। तो जब एलसीएम लेंगे तो x माइनस टू ही आएगा। अब x माइनस टू का टेबल x माइनस टू पर लेके जाएंगे, वन टाइम आएगा, वन को x माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन ही आ जाएगा। फिर x माइनस टू का टेबल x माइनस टू पर लेके जाएंगे, वन टाइम आएगा, वन को जब हम माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस टू ही आ जाएगा। माइनस x प्लस वन ओवर x प्लस टू उसी तरह आ गया। माइनस फोर ओवर यहाँ पे हम एक्स स्क्वेयर को हम एक्स का स्क्वेयर ले सकते हैं और फोर को हम टू का स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर, इसको हम एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस फार्मूले की मदद से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे एक्स माइनस वन और माइनस टू जो है आपस में ऐड होकर माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस टू आ जाएगा। माइनस यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे तो इधर x प्लस टू मौजूद है, इधर भी x प्लस टू मौजूद है, जो दो दफ़ा आएगा उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे एलसीएम के अंदर, तो x प्लस टू आ गया। उसके अलावा x माइनस टू भी मौजूद है तो x माइनस टू भी एलसीएम में आ जाएगा। जब हम x प्लस टू का टेबल लेके जाएंगे सारे पर डिनोमिनेटर में जो एलसीएम लिया गया, तो x प्लस टू तो खत्म खत्म हो जाएगा, x माइनस टू बचेगा। x माइनस टू हम x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वन इंटू x माइनस टू आ जाएगा। दोनों को जरा देने तक माइनस ये वाला आ गया x प्लस टू पर टेबल, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू पर टेबल, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू पे पूरा पूरा चला जाएगा। वन टाइम वन को जब हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस फोर आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे अगले, इसके बाद हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें से माइनस फोर कर देंगे। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं जी, एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस टू उसी तरह आ गया। माइनस एक्स प्लस वन को एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। एक्स को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एक्स आएगा, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स आएगा। तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स जो है हमारे पास माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद प्लस वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा और ये माइनस फोर उसी तरह आ गया। डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू जी सिंप्लीफाई करते हैं जी, तो एक्स माइनस थ्री उसी तरह, एक्स माइनस टू भी उसी तरह आ गया। माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू और माइनस फोर ये माइनस सिक्स आ जाएगा। डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ऊपर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स है इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम यहाँ से ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस सिक्स आए और उनको ऐड करने पे माइनस वन आए। तो
वैसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे -6 आए, ऐड करने पे -1 आए, तो पहले तो दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। 1 6 6 2 3 6, 1 और 6 से 1 तो नहीं लेकर आ सकते ऐड करने पे, तो 2 और 3 ऐसे दो नंबर हैं जिनको यूज़ करेंगे। तो अगर हम 3 माइनस का ले लें, प्लस का 2 ले लें, तो -3 को +2 से मल्टीप्लाई करने पर -6 आ जाता है, और -3 +2 -1 होता है। तो इन दो नंबर्स की मदद से ये जो दरमियान वाली टर्म है -x, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, बाकी सारा उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, ये x-3 और x-2 उसी तरह आ जाएगा, -x² भी उसी तरह आएगा, -x को हम स्प्लिट करके -3x+2x लिख देंगे इन दो नंबर्स की मदद से, और -x भी उसी तरह आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में x-2 और x+2 भी इसी तरह आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म उसी तरह आ गई माइनस, यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे x²-3x में से x कॉमन लेंगे, तो हमारे पास अंदर x-3 आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ से +2x-6 है, तो यहाँ से हम प्लस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, +2 कॉमन लेंगे, तो अंदर हमारे पास x-3 आ जाएगा जी। ठीक है, क्योंकि 2x में से 2 कॉमन लेने पर x बच जाता है, और -6 में से 2 कॉमन लेने पर 2 3 6, तो -6 आ जाता है। x-3 दोनों के अंदर मौजूद है, फिर टर्म उसी तरह x-3 और x-2, माइनस यहाँ से इन दोनों में से x-3 कॉमन लेंगे, तो अंदर हमारे पास x-3 कॉमन लेने पे यहाँ से x बचेगा, यहाँ से x-3 कॉमन लेने पे +2 बचेगा, तो अंदर x+2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हैं, x+2 वाली टर्म के साथ ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास x-3 over x-2 -x-3 over x-2 बचेगा, क्योंकि दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास जो आंसर है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अब हम ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, इसमें से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाए, इसमें से कौन सी चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाए, तो ये आ जाए। जैसा कि आपसे कहा जाए कि तो आपके पास एक नंबर है जी 6, 6 में से आप क्या माइनस करें, तो आपके पास 3 आ जाए। ठीक है, तो उसका प्रतिकार आप ये करेंगे यहाँ पे कि लेट दी रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी पी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब हमें कहा गया है कि हमारे पास ये जो नंबर है इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास ये चीज़ आई है, तो हम पी एक्स हमने फर्ज कर लिया, तो वो नंबर है जिसको जिसमें से इसमें से इसको उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो x-1 over x-2 आता है। तो ये जो 2 है यहाँ पे, ठीक है, ये इसके स्क्वेयर के अंदर है, ये आपने इसको इसके ऊपर स्क्वेयर में लिखना है, ये थोड़ा नीचे लिख दिया है बड़ा करके, तो ये x² है यहाँ पे। आगे चलते हैं, तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाली चीज़ आएगी, तब तो हमने पी एक्स फाइंड करना है, तो पी एक्स को हम इस तरफ ले आते हैं और इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, तो इसके इधर जाने से ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और माइनस पी एक्स इस तरफ आती है प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो पी एक्स इज इक्वल टू 2x² + 2x-7 over x² + 6 - x² + x - 6, और ये इधर आगे माइनस होगी, तो -x-1 over x-2 आएगा। आप हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो हमने फाइंड करना है कंडीशन के मुताबिक। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास -6 आए, और उनको ऐड करने पे हमारे पास 1 आए। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे 2x² + 2x-7 जो है हम उसको इसी तरह लिख लेते हैं, ये हम इस वजह से लिख रहे हैं कि इसके आगे जाके जो है सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय, या दूसरी चीज़ ये भी है कि 2 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आए। ऐसे दो नंबर्स ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आ जाए, उनको ऐड करने में +2 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है, जो ऊपर वाली टर्म है एक्सप्रेशन है सॉरी, तो इसका हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो नीचे वाला x² + x-6, ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर -6 आए, उनको ऐड करने में +1 आए, तो ऐसे दो नंबर जब आप ढूंढेंगे तो एक +3 है और एक -2 है। ठीक है, +3 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, और +3 को हम इसे -2 करें तो +1 आ जाता है, तो
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो प्लस एक्स है इसको स्प्लिट कर देंगे +3x-2x के अंदर। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर आपको पता ही, हम कैसे दो नंबर्स फाइंड करते हैं। अब हम इससे आगे सिंप्लीफाई करेंगे जी इसको, तो ऊपर वाली टर्म तो उसी तरह आ जाएगी, x2x² + 2x-7, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकती। डिनोमिनेटर में हम ये जो प्लस एक्स है इसको स्प्लिट करके हमने 3x-2x लिखा था। अब इन दो में से x कॉमन लिया जा सकता है, जब x कॉमन लेंगे तो अंदर x+3 बच जाएगा। -2x-6 में से अगर -2 कॉमन ले लें, हमने कॉमन ऐसा लेना था कि ब्रैकेट के अंदर यही चीज है जो पहले आ रही है, तो -2 कॉमन लेने से अंदर x+3 आ जाएगा, -x-1/(x-2) उसी तरह लिख देंगे। इससे आगे x2x² + 2x-7 उसी तरह आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ से x+3, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। अगर x+3 को जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास x-2 बन जाएगा, -x-1/(x-2) आ गया। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे इन दोनों के डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x+3 एक दफ़ा आ रहा है, जब हम एलसीएम लेते हैं तो जो चीज़ कॉमन होती है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं होती है उसको भी लिखते हैं। ये कॉमन नहीं है, x+3 आ जाएगा एलसीएम में, और x-2 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, तो x-2 हमारा (x+3)(x-2) एलसीएम आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब x+3 का टेबल x+3(x-2) का टेबल x+3(x-2) पे लेके जाएंगे, वन टाइम जाएगा, 1 को 2x² + 2x-7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी जी ऊपर, 2x² + 2x-7, क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर -x-2 का टेबल लेके जाएंगे तो x-2 कट जाएगा, x+2 3 टाइम टेबल जाएगा, x+3 को हम x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास -(x-1)-(x-3), ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2x² + 2x-7 उसी तरह लिख दिया, ये माइनस बाहर वाला उसी तरह आ गया, इन दोनों को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये डायरेक्ट स्टेप लिखा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया। फिर एक्स को जब हम -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x आएगा, और एक्स को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, 3x-x जो होता है ये 2x आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप किया है, -1 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 डिवाइडेड बाई x+3(x-2) आ गया। अब x² + 2x-3, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है, ये बाकी सारी टर्म 2x² + 2x-7 उसी तरह आ गई, माइनस के अंदर साइन चेंज कर दिए, प्लस का x² था -x² हो गया, प्लस का 2x है -2x हो गया, -3 है +3 हो गया, ओवर x+3(x-2)। अब यहाँ पे हम इसको मजीद सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 2x² में से जब हम x² को माइनस करेंगे तो ये आपको पता है हमारे पास x² बच जाएगा सिर्फ, और ये प्लस का 2x और माइनस का 2x ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, -7 + 4 ये हमारे पास, सॉरी -7 + 3 -4 आ जाएगा, ओवर x+3(x-2)। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हम फिर यहाँ पे फार्मूला एक लगा सकते हैं, x² को हम x का स्क्वेयर ले सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वेयर ले सकते हैं, तो एक फार्मूला होता है कि a² - b² वो इक्वल होता है a - b (a+b) के। उसकी मदद से जब हम x² - 2 के स्क्वेयर को फार्मूले की मदद से खोलेंगे तो ये x+2(x-2) आएगा। x-2 पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाई x+3(x-2), यहाँ से x-2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा आंसर जो है वो x+2(x+3) इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो x² + x-6 डिवाइडेड बाय x² - x-6 मल्टीप्लाई, पहले यहाँ पे प्लस आ रहा होता था तो फिर हम एलसीएम लेते थे, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम ऊपर नीचे कटिंग करेंगे, तो x² - 4 और x² - 9। तो इधर हम वही a² - b² वाला फार्मूला लगाएंगे, इन दोनों को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में भी हमने ऐसे दो नंबर ढूंढे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -6 आए और उनको प्लस करने पे +1 आए, तो ऐसे दो नंबर्स जब हम ढूंढेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे -6 ऐड करने पे +1, तो पहले वो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, तो 1 × 6 = 6 होता है, 2 × 3 = 6 होता है, तो 1 और 6 से हम 6 तो लेके आ सकते हैं मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन ऐड करने पर 1 नहीं ला सकते, इसलिए हम जो दो नंबर लेंगे वो 2 और 3 लेंगे, तो 2 3 = 6 होता है, 3 प्लस का ले लेते हैं हम,
और टू माइनस का ले लेते हैं ताकि इनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस एक्स आ जाए, ऐड करने पे मतलब प्लस का वाला आ जाए। इन दोनों की सिचुएशन के मुताबिक आपने ये साइन लेना होता है। तो अब हम दरमियान वाली जो ये टर्म है इसमें प्लस एक्स, इसको स्प्लिट कर देंगे इन दो नंबर्स की मदद से, इसको हम प्लस 3x माइनस 2x लिख देंगे। तो ये साइड वाली टर्म एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स उसी तरह आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक्स आए, ऐड करने पर माइनस वन आए। उसी तरह वन मल्टीप्लाई सिक्स एक्स होता है, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स होता है। अब सिचुएशन चूंकि थोड़ी डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करने पे भी माइनस एक्स चाहिए, ऐड करने पे भी माइनस वन चाहिए, तो अब हम माइनस का थ्री और प्लस का टू ले लेते हैं। जब माइनस थ्री को प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स आएगा, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन होता है। तो अब हम यहाँ से जो माइनस एक्स है इसको स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स उसी तरह आ जाएगा, और माइनस एक्स को हम तोड़ के माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स लिख देंगे। इसकी वजह से हमने दो नंबर की वजह से स्प्लिट कर दिया। मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर को हम एक्स का स्क्वेयर ले सकते हैं, माइनस फोर को हम टू का स्क्वेयर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, एक्स का स्क्वेयर आ गया, माइनस नाइन को हम थ्री का स्क्वेयर लिख सकते हैं। इस अगले स्टेप में मजीद सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो यहाँ से हम एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स में से एक्स कॉमन लेंगे, तो अंदर हमारे पास एक्स प्लस थ्री बचेगा। माइनस टू एक्स माइनस सिक्स में से हम माइनस टू कॉमन ले सकते हैं, या माइनस टू कॉमन लेंगे तो अंदर एक्स प्लस थ्री बच जाएगा कॉमन लेने में। और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स में से एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस थ्री बचेगा। यहाँ पे सॉरी ये टू लिखा गया है, ये यहाँ पे टू नहीं है बल्कि हम एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है, ये वाला आपका एक्स है, ठीक है जी। ये एक्स आ गया, एक्स कॉमन ले लिया, अंदर एक्स माइनस थ्री बच गया, फिर प्लस टू कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो हमारे पास जब टू माइनस टू एक्स माइनस सिक्स में से टू कॉमन लेंगे तो अंदर एक्स माइनस थ्री बच जाएगा। यहाँ भी x माइनस थ्री है, यहाँ भी x माइनस थ्री है, तो हम इसको आगे मजीद कॉमन ले लेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर था, तो इसको हम एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू लिख सकते हैं। यहाँ पे गलतियाँ भी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई हैं, ठीक है। थ्री एक्स माइनस टू और x प्लस टू, यहाँ पे टू होगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री का स्क्वेयर है, तो ये x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फार्मूले की मदद से। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री दोनों में से कॉमन था, दोनों में से एक्स माइनस थ्री कॉमन लेंगे, अंदर एक्स माइनस टू बच जाएगा। यहाँ पे एक्स माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो अंदर एक्स प्लस टू बच जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे उसी तरह, हम उसको दोबारा नीचे लिख लेंगे। अब कटिंग अगर आप देखें ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, तो एक्स प्लस टू इस एक्स प्लस टू के साथ कट गया, ये एक्स प्लस थ्री जो है इस एक्स प्लस थ्री के साथ काट के, बाकी आप देख सकते हैं एक्स माइनस टू भी ऊपर है, एक्स माइनस टू ऊपर है, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस थ्री ये दोनों नीचे में ये काट नहीं सकते, तो ऊपर एक्स माइनस टू का स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो और स्क्वेयर आ जाएगा। नीचे भी इस तरह एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस थ्री का स्क्वेयर आ जाएगा। इससे आगे मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन में हमें एक्स क्यूब माइनस एट, यहाँ पे हम क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस फोर है, तो अगर हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाले फार्मूले की मदद से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे और इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी के साथ। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये जो एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब इसको हम एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस एट है तो एट को हम टू का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद क्योंकि टू टू फोर, फोर टू एट होता है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर को हम एक्स का स्क्वेयर लिख सकते हैं, माइनस फोर को हम टू का स्क्वेयर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई, अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो एट आए, और उनको ऐड करने पे प्लस सिक्स है, तो वन एट जार एट, टू फोर जार एट, तो वन और एट के साथ मल्टीप्लाई करने पे एट तो ला सकते हैं, लेकिन सिक्स नहीं आ सकता प्लस माइनस करने से, तो हम टू और फोर लेंगे, प्लस का टू ले लेंगे, प्लस का फोर ले लेंगे, प्लस टू को प्लस फोर से मल्टीप्लाई करें, प्लस एट आ जाता है, और टू और फोर ऐड हो गए, प्लस सिक्स बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्प्लिट कर देंगे, सिक्स एक्स को हम स्प्लिट करेंगे या दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स के, एक्स स्क्वेयर प्लस एट, ये जो है इसी तरह इसके साथ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमने ऐसे दो नंबर ढूंढे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर वन आए और जिनको ऐड करने पर माइनस टू आ जाए, तो ऐसे दो नंबर यही हो सकते हैं, वन मल्टीप्लाई वन जो होता है ये वन आता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ये मैंने टू लिख दिया,
वन को आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन आएगा, मल्टीप्लाई करने पे हमें वन चाहिए और ऐड करने में माइनस टू चाहिए, तो दोनों के साथ माइनस माइनस लगा लेते हैं, माइनस वन माइनस वन। जब हम माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन 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 वन, तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास प्लस वन आ जाएगा। और जब आप माइनस वन को माइनस वन के साथ ऐड करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, दूसरी शर्त पूरी हो जाएगी। अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे अब हमने इसको जो माइनस टू एक्स इसको स्प्लिट कर देना है इन दो नंबर्स की मदद से, माइनस वन और माइनस वन की मदद से, तो ये माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स आप लिख सकते हैं, माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे, ऊपर हमारा ये फार्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। ठीक है, बी का जब स्क्वेयर आप लेंगे तो टू का स्क्वेयर फोर हो जाएगा, एक्स का स्क्वेयर एक्स आएगा, टू ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो टू मल्टीप्लाई एक्स टू एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लगेगा, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाता है। यहाँ पे आप एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स में से एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर एक्स प्लस फोर आ जाएगा, टू एक्स प्लस एट में से टू कॉमन लेंगे तो अंदर एक्स प्लस फोर आएगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स में से एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर एक्स माइनस वन आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन में से माइनस वन कॉमन लेंगे ताकि अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वन आ जाए, तो माइनस का वन कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस का वन माइनस का वन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे जी मजीद, तो ऊपर यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स माइनस टू इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो एक्स माइनस टू को हम एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक्स माइनस टू के साथ कट गया। तो बाकी हमारे पास जो चीज़ बच गई वो एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फोर बच गया, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू बच गया, ये वाला मल्टीप्लाई। यहाँ से अब हम एक्स प्लस फोर को जब कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस फोर कॉमन लेने में दोनों में अंदर एक्स प्लस टू बच जाएगा, नीचे एक्स माइनस वन कॉमन लेंगे तो अंदर एक्स माइनस वन बचेगा। अब ये एक्स प्लस टू जो है ये एक्स प्लस टू के साथ कट जाएगा, केवल एक्स प्लस टू इस एक्स प्लस टू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी अब आप देख सकते हैं कोई चीज़ कट नहीं सकती, तो ऊपर वाली चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई हो इसका स्क्वेयर आ जाएगा। अगर दरमियान में मल्टीप्लाई होगा फिर आपने कटिंग करनी, फिर आपने एलसीएम नहीं लेना, ये चीज़ आपको पहले से छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी हुई है। रिफ्लेक्शन के दरमियान में मल्टीप्लाई और फिर कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है, एक्स पावर फोर माइनस एट एक्स ओवर टू एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री ओवर टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जो स्टेप करेंगे एक्स पावर फोर माइनस एट एक्स, इसमें से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, जब हम एक्स पावर फोर में से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब बच जाएगा, माइनस एट एक्स में से जब हम एक्स कॉमन लेंगे तो एट बच जाएगा, डिवाइडेड बाय। यहाँ पे अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाई करने पे हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे, एक तो यहाँ पे माइनस थ्री है और एक एक्स स्क्वेयर के साथ टू मिलेगा। अगर ये एक्स स्क्वेयर के अलावा फिर हमें मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ ये वाला नंबर चाहिए होता है, लेकिन अगर एक्स स्क्वेयर के साथ कोई चीज़ मौजूद होगी तो अब हम मल्टीप्लाई करने पर हमें टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री यानी कि माइनस सिक्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस सिक्स चाहिए और ऐड करने पर प्लस फाइव चाहिए, तो ऐसे दो नंबर ढूंढने के लिए वन मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स होता है, तो प्लस का सिक्स और माइनस का वन हम ले अगर, तो प्लस सिक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर माइनस सिक्स आ जाता है, और प्लस सिक्स माइनस वन अगर करेंगे तो माइनस और सॉरी प्लस फाइव आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे टू एक्स स्क्वेयर और माइनस थ्री, तो उसी तरह ये दोनों आ जाएंगे ये वाले, और ये हमारे पास जो प्लस फाइव एक्स है इसको हम तोड़ के इन दो नंबर्स की मदद से प्लस सिक्स एक्स माइनस एक्स लिख देंगे, और मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फोर, इसको हम इसी तरह लिख देते हैं। अब इसको फैक्टराइज इसलिए नहीं करते क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है जब हम इसका फार्मूला खोलेंगे एक्स क्यूब माइनस एट का, यानी कि ये एक्स का क्यूब माइनस टू का क्यूब बनेगा, उस फार्मूले में ये चीज़ आएगी और ये उसके साथ कट जाएगी, मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री उसी तरह आ गया, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे,
एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लेने पे एक्स बच जाएगा, माइनस टू एक्स में से एक्स कॉमन लेने पे माइनस टू आ जाएगा। इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स उसी तरह आ गया, एक्स क्यूब को हम एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस एट को हम टू का क्यूब लिख सकते हैं, टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, क्योंकि दो को तीन दफ़ा जरूरत देने से आठ आ जाएगा, तो इसको हम टू का क्यूब लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स में से टू एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास टू एक्स स्क्वेयर में से टू एक्स कॉमन लेने पर एक्स बच जाएगा, फिर प्लस सिक्स एक्स में से टू एक्स कॉमन लेंगे तो टू थ्री ज़ार सिक्स होता है, और एक्स कॉमन ले लिया तो प्लस थ्री बच गया, माइनस वन कॉमन लेंगे ताकि अंदर इसमें ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस थ्री आ रहा है तो इसके अंदर भी एक्स प्लस थ्री आ जाए, तो माइनस वन कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस का थ्री प्लस का थ्री हो जाएगा, तो ये भी अंदर एक्स प्लस थ्री आ गया। मल्टीप्लाई ये दरमियान वाली जो फ्रैक्शन है टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इसी तरह आ जाएगी, मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस टू भी इसी तरह आ गई। इससे अगले स्टेप में हम इधर ऊपर फार्मूला खोल देंगे, ये एक्स वाला बाहर वाला उसी तरह आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ये ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर होता है, तो ए की जगह एक्स है तो बी की जगह टू है, तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, फिर ए का स्क्वेयर यानी कि एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा प्लस ए मल्टीप्लाई बी, तो एक्स मल्टीप्लाई टू टू एक्स आ जाएगा प्लस बी का स्क्वेयर यानी कि टू का स्क्वेयर, तो ये फोर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ से एक्स प्लस थ्री कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस थ्री कॉमन लेने पर अंदर हमारे पास टू एक्स माइनस वन बच जाएगा, मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फोर उसी तरह आ गया, और एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस टू भी इसी तरह आ गया। अब कटिंग अगर आप देखें तो ये एक्स जो है ऊपर है, ये वाला एक्स नीचे है, ये कट जाएगा आपस में, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फोर के साथ कट गया, इसीलिए मैंने इसको फैक्टराइज़ नहीं किया था, कर सकते थे लेकिन मुझे पता था ये इसके साथ कट जाएगा इसलिए इसको फैक्टराइज़ नहीं किया। उसके बाद 2x माइनस वन जो है ये 2x माइनस वन से काट जाएगा, x प्लस थ्री जो होगा ये वाला ये x प्लस थ्री के साथ काट जाएगा, और बाकी आप देख सकते हैं कि ये x माइनस टू जो है ये वाला ये x माइनस टू के साथ काट गया, तकरीबन सारी चीज़ें काट गई हैं, कोई चीज़ हमारे पास बाकी नहीं बची, तो इस वजह से ऊपर भी वन बच गया नीचे भी वन बच गया, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो वन के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया ये है जी, टू वाई स्क्वेयर प्लस सेवन वाई माइनस फोर ओवर थ्री वाई स्क्वेयर माइनस थर्टीन वाई प्लस फोर डिवाइडेड बाय फोर वाई स्क्वेयर माइनस वन ओवर सिक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वन। तो सबसे पहले स्टेप में हम इसको फैक्टराइज करते हैं, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें, तो माइनस फोर और प्लस टू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो फोर टू ज़ार एट, तो माइनस का एट हमें मल्टीप्लाई करने पर चाहिए और प्लस करने में हमें प्लस का सेवन चाहिए, तो ऐसे दो नंबर वन एट ज़ार एट होता है, तो अगर हम प्लस का एट ले लें माइनस का वन ले लें तो एट को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस एट आ जाएगा, और प्लस एट माइनस वन करने में प्लस सेवन आ जाएगा, तो हम ये जो टू वाई स्क्वेयर है और माइनस फोर है ये तो इसी तरह लिख देंगे, पहले सेवन वाई को हम स्प्लिट करके एट वाई माइनस वन वाई लिख देंगे इन दो नंबर्स की वजह से, आप सिर्फ वाई भी लिख सकते हैं माइनस वन। इसी तरह अब जो दूसरा हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई करने पे एक तो ये फोर है, ये बाकी वाला सारा जो मैंने किया है मिटा देता हूँ हाईलाइट, अब मल्टीप्लाई करने पे फोर मल्टीप्लाई थ्री प्लस का ट्वेल्व चाहिए और ऐड करने पे माइनस थर्टीन चाहिए, तो ऐसे दो नंबर ढूंढ रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर बारह आए, उनको आपस में ऐड करें तो माइनस तेरह आए, तो एक को बारह से रब देने में बारह आता है, और माइनस एक और माइनस बारह अगर हम ले लें तो माइनस एक को माइनस बारह से रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ट्वेल्व वन का ट्वेल्व तो प्लस का ट्वेल्व आ जाएगा, और माइनस वन और माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन बन जाएगा, तो अब हम यहाँ पे जो माइनस थर्टीन वाई है इसको स्प्लिट करके माइनस ट्वेल्व वाई माइनस वाई लिख देंगे इन दो नंबर्स की मदद से, बाकी थ्री वाई स्क्वेयर प्लस फोर उसी तरह आ गए यहाँ पे भी, डिवाइड का साइन उसी तरह आ गया, और फोर वाई स्क्वेयर को हम टू वाई का स्क्वेयर लिख सकते हैं क्योंकि टू का स्क्वेयर फोर होता है, वाई का स्क्वेयर वाई स्क्वेयर होता है, तो टू वाई का स्क्वेयर लिखिए माइनस वन और वन का स्क्वेयर ले सकते हैं, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में अब देखें इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं मल्टीप्लाई करने पर सिक्स मल्टीप्लाई माइनस वन, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस सिक्स आना चाहिए और ऐड करने पर प्लस वन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्लस वन वाई है, वन तो हम नहीं लिखा करते, तो वन मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स होता है, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स होता है, तो अगर हम प्लस का थ्री माइनस का टू ले लें तो थ्री टू ज़ार सिक्स माइनस का सिक्स आ जाएगा, और थ्री प्लस का माइनस का टू तो ये प्लस का वन आ जाएगा, अब हम इसकी मदद से स्प्लिट कर देंगे प्लस सिक्स वाई
स्क्वायर और माइनस वन उसी तरह आ जाएगा, प्लस वाई जो है इसको हम स्प्लिट करके थ्री वाई माइनस टू वाई लेंगे। ठीक है जी, अब हम इससे आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के अंदर जब हम टू वाई स्क्वायर प्लस एट वाई में से टू वाई कॉमन ले सकते हैं, टू वाई कॉमन लेंगे टू वाई स्क्वायर में से वाई बचेगा, प्लस एट वाई में से टू वाई कॉमन लेंगे वाई तो खत्म हो जाएगा, टू फोर जार एट, तो ये वाई प्लस फोर आ जाएगा। माइनस वन वाई माइनस फोर, माइनस वन कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास माइनस कॉमन लेने की वजह साइन चेंज हो जाएंगे, वाई प्लस फोर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में थ्री वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई है, तो इन दोनों में से थ्री वाई को कॉमन लिया जा सकता है, थ्री वाई कॉमन लेंगे थ्री वाई स्क्वायर में से तो वाई बच जाएगा, और माइनस ट्वेल्व वाई में से थ्री वाई कॉमन लेंगे वाई कॉमन चला जाएगा, माइनस थ्री को जब फोर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ट्वेल्व आता है, तो ये माइनस फोर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस वाई प्लस फोर है, तो चूंकि हमने इधर भी अंदर वाई माइनस फोर लेके आना, तो माइनस वन कॉमन लेंगे ताकि साइन चेंज हो जाए, माइनस वन कॉमन लेने के अंदर वाई माइनस फोर आ जाए, डिवाइड उसी तरह आ गया। यहाँ पे हम टू वाई स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फार्मूले की मदद से इसको टू माइनस टू वाई माइनस वन इंटू टू वाई प्लस वन लिख लेंगे। नीचे सिक्स वाई स्क्वेयर प्लस थ्री वाई में से थ्री वाई कॉमन लेंगे तो हमारे पास टू वाई बच जाएगा, और थ्री वाई में से जब थ्री वाई कॉमन लेंगे तो प्लस वन बचेगा। अब इधर से माइनस वन कॉमन ले लेते ताकि अंदर टू वाई प्लस वन आ जाए, साइन चेंज हो जाए। इससे अगले स्टेप में जी, इधर हमारे पास ये दो रकमें बन गई हैं, वाई प्लस फोर इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो वाई प्लस फोर को कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास यहाँ से वाई प्लस फोर कॉमन लेने पर टू वाई बच गया, यहाँ से वाई प्लस फोर कॉमन लेने पर माइनस वन बच गया। डिनोमिनेटर में y माइनस फोर इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस फोर कॉमन लेने पे अंदर हमारे पास थ्री वाई माइनस वन बच जाएगा, यहाँ से y माइनस फोर कॉमन लेंगे थ्री वाई बच जाएगा, यहाँ से y माइनस फोर कॉमन लेंगे तो माइनस वन बच जाएगा, डिवाइड उसी तरह आ गया। और यहाँ पे कि टू वाई माइनस वन टू वाई प्लस वन उसी तरह आ गया, डिनोमिनेटर में टू वाई प्लस वन हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, दोनों के अंदर मौजूद है, तो जब टू वाई प्लस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ से थ्री वाई बच जाएगा, माइनस यहाँ से टू वाई प्लस वन कॉमन लेने पे माइनस वन बच जाएगा। और यहाँ से अब देखते हैं अगर तो टू वाई प्लस वन टू वाई प्लस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे अगले स्टेप में वाई प्लस फोर ये जो फ्रैक्शन है ये सारी हम उसी तरह लिख लेंगे, और ये जो डिवाइड का निशान है इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली फ्रैक्शन जो है उलट हो जाएगी, थ्री वाई माइनस वन ऊपर चला जाएगा, टू वाई माइनस वन नीचे चला आएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो टू वाई माइनस वन टू वाई माइनस वन से कट जाएगा, थ्री वाई माइनस वन थ्री वाई माइनस वन से कट जाएगा, हमारे पास वाई प्लस फोर ओवर वाई माइनस फोर बच जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं जी, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं उसमें हमने क्या करना है। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, फिर ब्रैकेट है जी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। दोनों ब्रैकेट के अंदर फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती, हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर था, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर था, तो एलसीएम में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ गया। जब हम एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का टेबल लेके जाएंगे इस पे डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है इस पे, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आएगा, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को जब हम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बन जाएगा। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का टेबल जब हम इस एलसीएम पे लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को खत्म हो जाएगा, ये टेबल एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर टाइम जाएगा, और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को जब एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर बन जाएगा, फिर डिवाइड का साइन उसी तरह आ गया। इससे अगले जो ब्रैकेट है इसमें डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई है और एक्स प्लस वाई है, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो चूंकि ये दोनों डिफरेंट है तो एलसीएम में एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एलसीएम ये आ जाएगा। जब हम एक्स माइनस वाई का टेबल एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई पर लेके जाएंगे तो एक्स माइनस वाई तो खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस वाई टाइम टेबल जाएगा, और एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर आ जाएगा। माइनस एक्स प्लस वाई का टेबल
एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई पे लेके जाएंगे तो एक्स प्लस वाई खत्म हो जाएगा, एक्स माइनस वाई टाइम टेबल जाएगा और एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इससे अगले स्टेप में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे जी। तो सिंप्लीफिकेशन जो है इसकी मैं करके तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये ज़रा क्लियर नज़र आए। ठीक है, तो ये अब हमने कैसे किया है ये ज़रा तो मैं ये बड़ा करके दिखाता हूँ क्योंकि ये साइज थोड़ा बहुत छोटा हो गया इसका और ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर खोलेंगे। ए प्लस बी का स्क्वेयर कैसे खुलता होता है, ए का स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो ए का स्क्वेयर जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर जो है वो एक्स फोर आ जाएगा प्लस टू ए बी, टू मल्टीप्लाई ए की जगह एक्स स्क्वेयर बी की जगह वाई स्क्वेयर आएगा तो टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा प्लस बी का स्क्वेयर, बी स्क्वेयर बी का स्क्वेयर करेंगे तो बी आपके पास वाई स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर करेंगे तो ये वाई पावर फोर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर है, यानी कि आप हम ए माइनस बी का स्क्वेयर वाला फार्मूले से खोलेंगे, ए की जगह एक्स स्क्वेयर आएगा बी की जगह वाई स्क्वेयर आएगा तो ए का स्क्वेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो जाएगा माइनस टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वेयर करेंगे तो वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर जो है वाई पावर फोर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में ये उसी तरह आ जाएगा कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हम उसी तरह एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आ जाएगा। ऊपर एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर आएगा ए प्लस बी होल स्क्वेयर के फार्मूले से, माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर, यानी कि ए माइनस बी का स्क्वेयर जो होता है ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, ए की जगह एक्स आ रहा है और बी की जगह वाई आ रहा है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स पावर फोर उसी तरह आ गया प्लस टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई पावर फोर, माइनस अंदर इनके साइन चेंज कर देगा, प्लस का एक्स फोर है माइनस का एक्स फोर हो गया, माइनस का टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है प्लस का टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो जाएगा और प्लस का वाई फोर है माइनस का वाई फोर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर उसी तरह आ गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अब जब देखेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर उस तरह आ गया, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा प्लस का माइनस टू एक्स वाई प्लस का टू एक्स वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, कटिंग हो जाएगी जी प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर से काट जाएगा प्लस वाई पावर फोर माइनस वाई पावर फोर से काट जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स पावर फोर माइनस एक्स पावर फोर से काट गया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर से कटेगा प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर से काट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बचा है और ये टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बचा है तो ये फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आपस में ऐड होके हो जाएगा और नीचे इसी तरह आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू एक्स वाई और टू एक्स वाई फोर एक्स वाई हो जाएगा डिवाइड होके, नीचे ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर उसी तरह आ जाएगा। जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ गया, नीचे उसी तरह डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ये आपके पास टू एक्स वाई और टू एक्स वाई ऐड होके फोर एक्स वाई आ गया और नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब हम ये जो डिवाइड का साइन है यहाँ पे इसको चेंज करेंगे इसको मल्टीप्लाई में और उससे ये वाली फ्रैक्शन जो है ये उलट हो जाएगी और ये हमारे पास फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ गया। मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो बाहर वाली फ्रैक्शन उलट हो जाती है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, या ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है नीचे वाली ऊपर चली जाती है। तो यहाँ से फोर एक्स वाई नीचे आ गया और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऊपर चला गया। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि कटिंग हो सकती है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के साथ काट जाएगा, यहाँ पे फोर फोर से काट जाएगा, ठीक है एक्स स्क्वेयर है यहाँ पे एक्स है एक एक्स से काट जाएगा सिर्फ एक्स रह जाएगा, यहाँ पे एक वाई इस वाई का स्क्वेयर है तो एक वाई से काट जाएगा एक वाई रह जाएगा, ऊपर हमारे पास ये कटिंग हो जाएगी इस तरह और ऊपर हमारे पास एक्स वाई बच जाएगा नीचे आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बच जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसके साथ ही जी हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और कॉमेंट्स में आप बताएं आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कॉमेंट्स के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।